श्री वाहिगुरु साहिब जी। नाम वाहिगुरु साहिब जी। पूरा प्रभया रथया पूरा जाका नाओ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ दीन दर्द दुख भंजना घट घट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ सुखो होटल गुर सेविय अहनस सहज सुभाए दर्शन परस आए गुरु का जन्म मरण दुख जाय सिफत संबंधी नूर अरसों कुरसों चटी है तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सतनाम श्री वाहिगुरु साहेब जीओ जे को सिख गुरसेती सन्मुख होवै होवै ता सन्मुख सिख कोई जी हो रहे गुर नाले जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवै वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। जुगो जुगे अटल धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दी पावन पवित्र चरण सरणे अंदर विराजमान हो रही गुरु की संगत सतगुरु अमृत वेले तो कृपा करके दर्शनां दी दात बख्शिश कर रहे ने। आप संगतां गुरबाणी दे कीर्तन नितनेम सरवण करके लाहा प्राप्त कीता है। इस वेले सतगुरु जी श्री आनंद साहिब दी जो बाणी है जो आपां नितनेम दे अंदर सरवण करदे हाँ इस बाणी दी विचार लड़ीवार कथा दे अंदर चल रही है। सतगुरां ने कृपा करके भी पौड़ियां इस बाणी दियां सानू पहला बख्शिश कर दित्तियां। अज 21 नंबर पौड़ी दी विचार सानू प्राप्त हो रही है। ओ मन दे ध्यान नू टकाइए मिलके आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु साहेब जीओ जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवा। सतगुरां तो पुछया महाराज साहब जी सन्मुख सिख केड़ा है। वैसे तो गुरबाणी का वचन है गुरमुख सन्मुख है पर सिखां दा सवाल यह है भी सतगुरु सन्मुख किनू आप जी कहिंदे हो कौन है सन्मुख। तो पातशाह कहन लगे जे को सिख जे कोई भाई गुरु का सिख गुरु सेती गुरु दे नाल सन्मुख होना चाहुंदा है कि मैं सतगुरां दे सन्मुख हो जावां।
जे कोई सिख इस तरह की भावना चाहता मन दे अंदर तो पातशाह फरमाते हैं होवे ता सनमुख सिख कोई जिहो रहे गुर नाले। सतगुरु कहिंदे सनमुख सिख वो है जिहदा जियो कहिए मन गुरु दे नाल हर वेले रवे। ये साडा मन है ना गुरमुखो, एक एक सकेंट दे विच कई कई ख्याल लैके आउंदा, कबहू जीअड़ा उब चढ़ता है कबहू जाए प्याले। ये मन दे ख्याल ही नहीं ना, कदे स्वर्गा नू चढ़ गया कदे पतालां विच चले गया। जिहदा मन स्वर्गा नू चढ़दा जां पताल विच जांदा जां संसार दे फुरनियां विच जांदा, समझ लो भी ये सनमुख नहीं, ये मनमुख है। फिर सनमुख कौन है? जियो रहे गुरु नाले, जिहदा जियो कहिए मन हर वेले गुरु दे नाल रवे। गुर मेरे संग सदा है नाले, मेरा गुरु मेरे अंग संग है, और मेरा मन हमेशा गुरु दे चरणा दा भौरा बन के रहिंदा है। मेरे मन विचों कदे भी गुरु दी याद नहीं भुली है। तो उन्हां गुरसिखां दा जीवन ये है, महाराज कहन लगे भजन ये है, एक घड़ी ना मिलते तां कल युग होता। ये ने सनमुख सिखां दी निशानी, मेरा मन हमेशा गुरु दे नाल रवे। जे एक घड़ी का समा भी कितने मैनू भुल जाता तो कल युग वापर जाता। ये गुरमुखा की सनमुखिया की निशानी ये है। गुरु अर्जन साहब महाराज जी लाहौर की धरती पर बैठे हुए अपने घर के, गुरु रामदास महाराज नू मिलन दी इन्नी तांग है, उन्होंने उत्थे शब्द उचारिया, कहन लगे गुरु रामदास पातशाह अमृतसर दी धरती ते असी ते एक घड़ी भी आप जी तो दूर नहीं सी, दर्शन करदे हर वेले। इत्थे पातशाह लम्मा समा पै गया। महाराज फरमाउंदे कहन लगे जियो रहे गुरु नाले, जिसदा जियो कहिए मन गुरु दे नाल हर वेले गुरु दी याद विच है। ते पातशाह कहन लगे ओ सिख सनमुख है भाई, उनू मन्या जांदा सनमुख। फिर इसे पौड़ी नू बख्शते हैं जेको सिख गुरु सेती सनमुख हुआ। जेड़ा कोई सिख शरदा दे नाल गुरु दे सनमुख होया चाहुंदा है, कोई सिख शरदा होवे ना मन में भावना होवे कि मैं गुरु दे सनमुख रहना है। जेड़ा कोई सिख समेत शरदा दे गुरु दे सनमुख होना रहना चाहुंदा है कि मैं गुरु दे सनमुख रहना करा। ओए ता सनमुख सिख कोई, सतगुरु कहन लगे कोई ऐसा सिख है शरदावान प्रेम दे सहत भावना वाला कोई सिख है जेड़ा गुरु दे सनमुख हो के रहना चाहुंदा है? ते फिर वो मन करके गुरु दे नाल रवे। गुरमुखो तन करके ते आपां इत्थे बैठे हैं ना, 24 घंटे का समा साडे कोल, 24 घंटे विचों असीं 40-45 मिनट शरीर करके इत्थे बैठे, पर ये नहीं पता भी मन करके भी 1 मिनट बैठे हाँ कि नहीं। शरीर करके तो बैठे हाँ, 24 घंटिया विचों 40 मिनट बैठे, समा तो पहला ही बड़ा थोड़ा भी 24 घंटिया 40 मिनट कुछ भी नहीं, इन्ना समा गुरु को बैठे। पर 40 मिनटा दे विचों हो सकता असी 40 सेकेंट भी मन करके ना बैठे होइए, मन साडा कितने दूर चले गया हो, कितने घर के धंधे काम दे विच पहुँच गया। गुरु नानक साहब पातशाह कहिंदे ना काजी नू, काजी साहब नमाज पढ़ी है पर मन नमाज विच नहीं। तो हालत साड़ी भी वो है, आप कथा भी सुनते हैं, कीर्तन भी सुनते हैं, पाठ भी सुनते हैं, संगत विच भी बैठते, हो सकता भी साड़ा भी वो काजी वांग मन ना ही होवे विच। पर अवस्था आपो अपनी है, कई गुरमुख गुरसिख होणगे जुड़ के बैठने वाले भी, पर बहुत आत ने गुरु को आना बड़ा घट समा, पर जिन्ना समा शरीर करके आना मन फिर भी नहीं आके गुरु दे नाल मिलाया। बैठा होया अजे भी सोचता पाया भी आ जाके करांगा, फिर आ जाके करांगा,
संगत विच बैठा भी धंधे नू सोचदा है। महाराज कहिंदे कोई शरदावान विरला ही है भाई जिहड़ा गुरु दे नाल अपना मन जोड़ के रहना चाहुंदा है। गुर सभा एव ना पाई है नेड़ा है ना दूर, नानक सतगुर ता मिले जा मन रह हाथूर। गुरु भी ता मिलता है, सन्मुख भी ता होईदा जे गुरु दे सन्मुख रहना करिए। गुर के चरण हिरदय ध्याए, गुरु क्या सिखा, गुरु के चरण अपने हिरदय विच ध्याउणा कर, अपने हिरदे विच गुरु दे चरणा दा ध्यान धारण कर। अंतर आत्मा संभाले, सतगुरु कहिंदे हिरदे दे अंदर जो तेरा हिरदा है ना इस दे अंदर आत्मा संभाले, अपने स्वै स्वरूप दी संभाल कर। जिहड़ा तेरा आत्मिक स्वरूप है ना उहदी संभाल कर, उहदा चिंतन करना कर। आप छड सदा रहे परने, महाराज जी नूं पुछिया सतगुरु की करिए, महाराज कहन लगे पहला वचन है आप छड। आप नाम हंकार दा, आ काम मैं कीता, आ मैं आप ही करांगा, मेरे बिना करे कोई ना। आप शब्द मैं शब्द हंकार दा वाचक है। महाराज कहन लगे आप छड, पहला ये गल छड दे भी मैं कुछ हाँ। पहला वचन ये है भी मैं भी कुछ कर सकता हाँ। तो दूजा वचन सदा रहे परणै, परणै नाम आसरे, फिर गुरु दे आसरे रहे। गुरु रामदास पातशाह ने गुरता गद्दी गुरु अर्जन देव पातशाह नूं बख्शिश कीती। बाबा प्रसी चंद जी नाराज हो गए, मैं वड्डा मैनू क्यों नहीं मिली है। गुरु रामदास पातशाह कहन लगे पुत्र इत्थे वड्डे छोटे दी गल नहीं है, गुरु नानक साहब नूं वेख, गुरु अंगद साहब नूं वेख, गुरु अमरदास महाराज के जीवन घर वल वेख, उन्होंने पुत्रां नूं छड के जिन्हां ने वचन मन्निया उन्हां नूं निवाजिया है। ते साडा वचन गुरु अर्जन साहब ने मन्निया सी, उन्हां नूं निवाजिया। इत्थे वड्डे छोटे की गल नहीं है, वचन मन्नण वाला प्रवान है। बाबा प्रसी चंद जी कहन लगे गुरु रामदास पातशाह गुरता गद्दी ते तुसीं गुरु अर्जन साहब नूं दे दित्ती है, तो तुसीं भी शरीर करके दुनिया तो चले जाना। पिता नूं कह रहे पुत्र भी तुसीं चले जाना दुनिया तो, मेरे कोल इन्ना पैसा है मैं सरकार खरीद लवांगा, मंत्री खरीदांगा, उन्हां मंत्रियां दे जोर दे नाल मैं गुरता गद्दी भी खो लवांगा, मेरे कोल संगत इन्नी है, मेरे कोल बंदे इन्ने ने, मेरे को ताकत इन्नी है भी मैं ताकत दे जोर दे नाल पैसे दे जोर दे नाल गुरता गद्दी मेरे कोल ही रहेगी। गुरु रामदास पातशाह कहन लगे बाबा प्रसिद चंद जी ये दाता खोईयां नहीं जांदियां, ना ही कोई दवा सकता है, ना ही इस तरह कदे मिलती है। नानक साकर मात साहिब तुठै जो मिले, गुरु परमात्मा ईश्वर खुश हो गए देवे वो दात है, खो के लिए वो दात थोड़ी है। बाबा प्रसी चंद जी ने बड़े यतन किए, दरबार साहब वर्गा दरबार साहब भी बना लिया, सुलही खान सुलभी खान वर्गे चढ़ चढ़ के जरनैल भी आए, पर गुरु शब्द बाबा प्रसी चंद के नाम के नाल लगा ही नहीं, यतन किए पर लगा नहीं। महाराज कहिंदे आप छड, जिहड़ा आप अहंकार है ना भी मैं करांगा, मेरे कोल बड़ा पैसा है, मेरे कोल बड़े बंदे ने, मेरे कोल बड़ी ताकत है, ये ताकत ते प्रिथी चंद कोल भी बड़ी सी पर अहंकार नहीं छड़ सकिया, अहंकार नहीं छड़ सकिया, प्राप्ति नहीं। महाराज कहन लगे आप छड, पहला वचन भी अहंकार छड, दूजा वचन सदा रह परणै, फिर गुरु दे आसरे रह कि मैनू ते गुरु दा आसरा है। गुर बिन अवर न जाने कोई, सतगुरां तो बिना किसे दूजे नूं जान ही ना भी कोई होर भी है। सतगुर है ज्ञान, सतगुर है पूजा,
सतगुर सेवी अवर ना दूजा। गुरबाणी का वचन है, गुरु का सिख ये गल कहिंदा गुरु ही मेरा ज्ञान है, गुरु ही मेरी पूजा है, गुरु तो बिना तो मैं किसी दूजे तीजे नूं जानदा ही नहीं हाँ। तमाम औंकड़ा तो तमाम पापा तो गुरु बचा लैंदा है। गुरु ऐसा समर्थ है कि सतगुरु सहायता करन ते सारे दुखा तो पापा तो बचा लैंदा है। गुरु अर्जन देव महाराज जिया ने बचन लिखिया, कहन लगे गुर गोपाल गुर गोबिंदा गुरदयाल सदा बख्शंदा। गुरु गोपाल है, पालन वाला है, गुरु दयालु है, गुरु बख्शंद है, माफ कर देने वाला, माफ करा देने वाला। ये गुरु की उस्तती का शब्द है गुरबाणी के अंदर। गुरशास्त्र सिमरत खाट करमा, मेरा गुरु ही मेरे वास्ते सिमरतियाँ ते शास्त्र ने। खट कर्मां नूं करन वाला मेरा गुरु ही है। गुरु रामदास पातशाह महाराज जी भाई जेठा जी दे रूप दे विच गए ने लाहौर दी धरती ते, बादशाह अकबर ने बुलाया। भाई जेठा जी कहन लगे गुरु अमरदास पातशाह मैनू ते ज्ञान ही कोई नहीं, मैं किवें जवाब देवांगा, उत्थे बड़े बड़े वड्डे विद्वान बैठे होणगे। सतगुरु कहन लगे तुहानू सारा ज्ञान उत्थे आपे ही हो जाएगा। जदों सभा विच पहुँचे कहन लगे एक पासे सारी विद्या खड़ गई आके, एक पासे रिधियां सिधियां खड़ गई आके। गुरु अमरदास पातशाह दे वचन, बारद कर दाहे ने सिद्ध सनमुख मुख जो वै रिद बसै बावांग जो तीन लोकांतर मोह है। हृदय बसै अकहियो सोए रास्ते नहीं जातो, मुखों भगत उचरै गुर इत रंग रच। पटा दे बचन, भाई जेठा जी ने उत्तर दिते, वो इत्थे बचन लिखते पै, कहन लगे गुर शास्त्र सिमरत खाट करमा, सिमरतियाँ ते शास्त्र मेरा गुरु ही है। गुरु ने कृपा की सिमरतियाँ शास्त्रां दा आपे ज्ञान आ जाना। गुर पवित्र है ससाना है, गुर सिमरत सब किल विख नास है। फिर गुरु ऐसा समर्थ है, गुरु का सिमरन करेगा सारे पाप नाश हो जाएंगे। गुरु की महिमा शब्द दे अंदर, गुर सिमरत जम संग न फसै, गुरु का सिमरन करेगा जमा दे नाल फाई नहीं पवेगी, फसेगा नहीं। गुर सिमरत मन निर्मल होवै, गुरु का सिमरन करेगा मन निर्मल हो जाएगा। गुर काटे अपमाना है, जिहड़े तेरे अपमान हुंदे पै ना गुरु अपमान भी कट दिंदा, कोई अपमान कर ही नहीं सकता। गुर का सेवक नरक ना जाए, जिहड़ा गुरु का सेवक है वो कदे नरक विच नहीं पैंदा। ग्रंथकारां ने 18 तरह के नरकां का वर्णन किया, पर जिहड़ा गुरु का बन गया गुरु नरक विच नहीं जान देवे। सिखां ने पूछिया दसवें पातशाह आप जी ने अपने सिखां नूं केस रखाए, उहदा कारण की है? सतगुरु कहिंदे केस साडी मोहर ने, साडी निशानी है। जे किसे गुनाह करके, किसे गलती करके, किसे बज्र कुरैत करके साडा सिख जे नरकां विच डिग भी पवे ना, असीं केसां दी निशानी पछाण के नरकां विचों भी बाहर कढ लवांगे। इक वारी आखीए सतनाम श्री वाहिगुरु। महाराज बचन करदे कहन लगे गुर का सेवक नरक न जाहे, गुरु का सेवक नरक विच नहीं पैंदा, गुरु कढ लैंदा उत्थों वी, इन्ना समर्थ गुरु है। गुर का सेवक पार ब्रह्म ध्याए, जिहड़ा गुरु का बन गया वो परमेशर नूं ध्याउंदा है, क्योंकि गुरु ने सानू जोड़िया ही परमेशर नाल। दसवें पातशाह ने बचन लिखिया, कहन लगे जिन जिन तनक सिद्ध को पायो तिन तिने अपना राह चलायो। जिन्हें जिन्हें थोड़ी थोड़ी कि शक्ति आ गई ना, रिधि आ गई, सिधि आ गई, कोई ताकत आ गई, वो कहन लग पिया दुनिया ते मैं रब हाँ, मेरी पूजा करो। किन्ने रबां की पूजा होंगी, किन्ने रब बने फिरदे, देवी देवते पीर पैगंबर, थोड़ी थोड़ी शक्ति पा के अपनी पूजा कराउंदे, पर गुरु ये नहीं कहिंदा कि मेरी पूजा करो। गुरु समर्थ है। महाराज कहन लगे गुर का सेवक पार ब्रह्म ध्याए, गुर का सेवक साध संग पाए। गुरु का सेवक संगत प्राप्त करदा,
गुर करदा नित जी दाना है। सतगुरु ऐसे समर्थ ने जिहड़े अपने सिख नू जीवन दान देंदे महाराज साहब जी। ते गुरु दी संगत करन वाला गुरमुखो सारियां मौजां माणदा। जिहड़ी संगत विच तुसीं बैठे हो ना, सारियां मौजां आनंद इत्थे प्राप्त हुंदा। किसी विद्वान ने बड़ा सोहना बचन लिखिया, कहन लगे खोद खोद कै मूसा मर गया। मूसा नाम चूहे दा, चूहा बेचारा खुड कढ़दा कढ़दा सारी उम्र खुड कढ़दिया चूड़े, चूहे ने बड़ी मेहनत की है, खुड कढ़दा रहा मैं रवांगा। खुड कढ़ी चूहे ने, पर होया कि कहन लगी मौज की भुयंगे ने, भुयंगा नाम सप दा। इन्हें जिनू किसी बने सप निकलाया, उन्हें वेख्या भी खुड है, सप खुड में वड़ गया। पहला तो सप ने जाके चूहे नू खादा, फिर वो खुड में वड़ के बैठ गया। खुड बनाई चूहे ने, मेहनत बेचारा वो करता है, नाले तो मौत नू प्राप्त होया, नाले अपनी खुड गवाई है। सप परों आया, उन्हें खुड कढ़ी कोई नहीं, नाले चूहा खा लिया, नाले उहदी थां ते कब्जा कर लिया। दूजा बचन लिखते, कहन लगे छिनक छिनक के माली मर गया। माली बेचारा बूटिया नू पानी पा पा के छिड़का कर करके, उन्होंने कट के वढ़ के रे करके स्परे करके, माली ने बड़ी मेहनत की है, फुल लग गए, फुल बड़े सोहने ने। पर अगे की लिखते, कहन लगी मौज की भवरंगे ने, इन्ने चिर नू भौरा आ गया। हुण गुरमुखो भौरे ने फुल नू पानी कोई नहीं पाया, ना उन्हें कोई नू रे की है, ना स्परे की है, ना कोई वढ़ कट की है, भौरे ने तो कुछ भी नहीं किया। मेहनत माली करता है, नज़ारे भौरा लैंदा पिया, भौरा आया फुल ते बैठा, उह सुगंधी लै रहा। करमा की गल है ना, माली मेहनत करता है, भौरा सुगंधी लै रहा। चूहा मेहनत करता है, उस थां ते कब्जा सप करके बैठा। संच संच के किरपण मर गया, इत्थे ही बस नहीं, कहन लगे माया इकट्ठी कर करके कंजूस बंदा मर जांदा। कई बंदे इन्ने कंजूस ने भी सारी उम्र पुराना कपड़ा पाटा कपड़ा पा के सुकी रोटी खा के बीमारी नू तन ते सह लेना, पर बीमारी का इलाज नहीं करवाना, कहते माया ना लग जाए, दमड़ी ना जाए, चमड़ी भावें चली जाए। सारी उम्र माया पाई पाई करके इकट्ठी की है। कहन लगे संच संच के किरपण मर गया, किरपण नाम कंजूस दा। कंजूस बंदा सारी उम्र पाई पाई इकट्ठी करदिया मर गया। तो अगे की होया, मौज की वरतंगे ने, अगे कोई पोतरा पड़पोतरा यहोजा पैदा हो गया, कह लगा माया कड़ा नाल जानी है, चलो मौजा करिए। हुण पोतरा जां पुत्र है, वह गड्डिया च घूमता पिया, ब्रांडड कपड़े पाउंदा पिया, वधिया वधिया थावां ते महंगे महंगे जाके भोजन छकदा पिया। बापू दे बेचारा टुट्टी जुत्ती नाल ही सारी उम्र कढ गया, जोड़दा रहा भी जोड़ लवां जोड़ लवां, कदे चंगा खा के नहीं वेख्या, कदे चंगा पा के नहीं वेख्या। पुत्रा ने आख्या भी ये बुढ़ा दे कंजूस है, चलो नज़ारे लइयो, नज़ारे कोई होर लैंदा पिया। विद्वान ने बचन लिख गया, कहन लगे संच संच के किरपण मर गया, कंजूस कट्ठी कर करके मर गया, मौज की वरतंगे ने, अगे नज़ारे ओदी माया दे कोई होर लैंदा पिया है। पलच पलच के सारे मर गए, सारिया में आप भी आ जाते। पलच पलच तो भाव हों फस फस के, कोई किसी काम में फसया, कोई किसी काम में फसया। सारी दुनिया ने इस तरह मर के इतों चले जाना है, पलच पलच के सारे मर गए। तो फिर की होया, कहन लगी मौज की सतसंगे ने, जिहड़ा सतसंगत में बैठदा ना मौजा तो उहनू ने, बाकी दुनिया के धंधे में फसी हुई है, वकारां च फसी, पर संगत विच रहण वाला मौज करदा पिया। एक तो इत्थे बैठ के गुरु की गल सुन दे, समा सफला जन्म सफला हो गया। सोहणियां उदाहरणां ने भी, चूहे ने खुट कढ़न की मेहनत तो की है, पर मेहनत का मुल नहीं मुड़िया, नज़ारे सप लैंदा पिया। माली ने फुल बूटा लाया जरूर है, मेहनत की है, पर सुगंधी भौरा लैंदा पिया। कंजूस बंदा माया इकट्ठी करता, मेहनत बड़ी करता, पर इकट्ठी की माया के नज़ारे कोई होर ही लै गया। तो कह लगे सारी दुनिया धंधे में फस गई है, पर सारिया तो ज़्यादा मौज उन्हें की जिहड़ा सतसंगत में आके बैठा है। ये महाराज के बचन।
जिन जिन साध संग पाया सो प्रभ आप उतराया। जेडे जेडे साध संगत में आके बैठे सतगुरां ने उतार दिते, ऐसी संगत की महिमा है। बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई। ये महाराज जिया दे बचन ऐसी महिमा महाराज करते हैं। कहे नानक सुनो संत हो, महाराज कह लगे हे संतो गुरमुखो महापुरखो सुनो बचन ध्यान दे नाल। सिख सनमुख होए, जेड़ा सिख मन करके गुरु दे नाल है सनमुख ओ है, जिन्हों मन विचों कदे याद नहीं ना भुली गुरु दे, सनमुख ओ है। गुरु अमरदास जी ने सवाल किया सिखां भी सनमुख केड़ा है, महाराज कहते सनमुख वो है भाई जिदा मन हर वेले गुरु की याद में जुड़िया रहिंदा, उसनू सनमुख आख्या। तो मन उहदा जुड़दा जिहड़ा संगत में आके बैठदा, इथों कृपा प्राप्त होंदी है। जे को गुरते बेमुख होवा, जे कोई बंदा गुरु तो बेमुख हो जाए, मैं नहीं मनदा कौन गुरु है, मैं की लैना गुरु तो, मैं गुरु वाला क्यों बना। साढ़े विच बहुते लोगों के सवाल होणगे गुरु वाला बन के की करना। महाराज नूं पुछिया सतगुरु जे कोई गुरु वाला नहीं बनता तो उहदा की वर्तारा वरतेगा, आप जी दसो। सानू भी तो अमृत छकन तो डर लगता ना, आखिए ना गुरु वाले बन जा अमृत छकला। कह लगा नहीं नहीं मेरे तो जे मैं केस रख लिया मेरे तो दाढ़ी च खुरकुन होनी हटती है, मेरे तो सिर में सिकरी पै जाती है। कई बहाने करता है ना बंदा, गुरु वाला बनना बड़ा औखा। महाराज नूं पुछिया सतगुरु जे कोई गुरु वाला नहीं बनता बेमुख रहिंदा उहदी हालत की है कृपा करके दसो। तो पातशाह कहन लगे जे को गुरते बेमुख होवै, जे कोई बंदा गुरु तो बेमुख हो जावे, गुरु वाला ना बनना चाहे जा नहीं बनता है, सतगुर मुक्त ना पावै। भावें वह चार युगों में घूम के आ जाए, जिन्हें मर्जी जन्म लै लवे, बचन एक पले बन के जायो भी वह बंदा मुक्ति नहीं जे पाँगा। गुरु बिना मुक्ति मिलती नहीं है, भावें चार युगों में मनुखा जन्म अगे मिल जाए। आप इस युग की इस जन्म की गल करते हैं ना, मनुखा जन्म लिया तो रब न पा लीए। महाराज कह लगे जे गुरु धारण नहीं ना किया तो फिर भावें तू चार युगों में मनुखा जन्म लैंदा ही रह वार वार, पर उन्ना चिर मुक्ति नहीं है जिन्ना चिर गुरु वाला नहीं बनना। गुरु वाला उदो बनेगा ता मुक्ति होवेगी। जे को गुरते बेमुख होवै बिन सतगुर मुक्त ना पावै, गुरु तो बिना मुक्ति प्राप्त नहीं होंदी है। पावै मुक्त ना होर था कोई, सतगुरु कहन लगे सतगुर बाजो संगत ना होई, गुरु बिना संगत नहीं मिलती है। बिन शब्दे पार ना पावै कोई, जिन्ना चिर गुरु का उपदेश नहीं ना लैंदा गुरमुखा दुनिया तो पार नहीं होया जांदा। नहीं तो जाके सुखदेव नूं पुछ ला, सुखदेव नूं किसे ने आख्या गुरु धारण करना पवेगा। गुरु धारण करन वास्ते जनक राजे कोल चला गया, उत्थे नाचियां नचदियां पईयां। जनक जी ने पूछया सुखदेव की लैन आया, कहन लगा जी वैसे ही आ गया दर्शन कर, आया तो गुरु बनाउण वास्ते ही। जदों वेख्या भी गुरु ते नाच वेखदा वह बचन बदल गया उस वेले, कहन लगा जी मैं तो वैसे ही आ गया। वो जान गए भी इहदा मन बदल गया साढ़े वल वे, कहन लगे चलो ठीक है भाई वैसे आया तो वैसे ही रहो। नारद जी नाल ने सुखदेव वापस मुड़ गया, एक नहर दे जा के कंढे ते बह गए। तो नारद भर भर के टोकरियां रेता दियां मिट्टी दियां चलदे पानी में सुटन लग पिया। सुखदेव ने पूछया कहन लगे नारद तू मेरा मित्र है ये की करदा पिया, कहन लगा मैं पानी में पुल बनाउंदा पिया। सुखदेव कहन लगा भी चलदे पानी च मिट्टी सुटिया थोड़ी पुल बनदा, ये ज़्यादा पानी रोकना पवेगा जा प्रबंध कोई वड्डा करना पवे। नारद जी कहते हो तो तेनू मैं समझाउंदा पिया, तू भी चलते पानी में पुल बनना चाहता है, गुरु धारण ना करना पवे अपने आप ही सब कुछ आ जाए। अपने आप किवें आएगा, अपने आप कुछ नहीं होना, ये करना पवेगा ता आएगा। दोबारा फिर लैके आता मोड़ के
ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਭੱਜਿਆ ਉੱਥੋਂ ਸੁਖਦੇਵ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਪਈਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੜ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਾਤ ਦੀ ਬੀਣਾ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੜ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਖੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫਸਿਆ, ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਰਿਖੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਖੜਾਵਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 12 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ, 12 ਸਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਅਜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਿਛਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕਰਮ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਭਾਗ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਜੋ ਸੰਗਤ ਨਾ ਹੋਈ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਵੈ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜੇ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਇਹ ਵਚਨ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਕਰ ਪਾਵੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਰ ਥਾ ਕੋਈ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਭੱਜ ਲਵੇ ਨਾ, ਲੈਂਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੂੰ, ਦੇਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਵਰਤ ਲਵੇ, ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਵੇਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਵੇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗਿਆਨ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਜਿਹਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਛੋ ਹੋ ਬਵੇਕੀ ਆ ਜਾਏ। ਬਵੇਕੀਆ ਕਹੀਏ ਗਿਆਨਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਜੁਨੇ ਭਰਮ ਆਵਾ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਆਵੇ, 4 ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਮਿਲਣਗੇ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਜਾ, ਚੱਕਰ ਲਾਉਣਾ ਕਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਕਰ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 1-2 ਯੁੱਗ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ 1000 ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਨਾ ਮਸਤੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇਹ ਵਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਵਚਨ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦੇ, ਨਗੁਰੇ ਪੁਣੇ ਦੀ ਜੂਠ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣੀ। ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਪਾਏ ਲਾਗ ਚਰਣੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਣੀ ਆ ਕੇ ਲੱਗਦਾ। ਹੋ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ, ਦੂਰੋਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਜਨਮ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਆਹ ਜਨਮ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਮੇਰਾ, ਇਸ ਤਰੀਕ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਦੋਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸਾਇੰਸ ਵੈਸੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ 1,000,000,000 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਥਿੱਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੇ, ਰੁਤਬਾ ਹੋ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕਰਤਾ ਸਿਰਠੀ ਕੋ ਸਾਜੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕਿਆਫੇ ਹੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਈ ਚੱਲੋ। ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹ 1,000,000 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸ਼ਿਵਜੀ ਮੰਨਿਆ, ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਕਦੋਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਖਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਫਲਾਣੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਿਵਜੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰੱਬ ਨੇ ਧਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ ਕੰਮ।
महाराज कहन लगे बचन यह है, फिर मुक्त पाए लाग चरणी। बचन पढ़ते पै सतगुरु कहन लगे भावें सारी दुनिया का चक्कर ला के आ जा, जन्मां विच घूम के आ जा, जदों की यह दुनिया बनी है उदों दे साड़ी आत्मा बनी है, पता नहीं किन्ने जन्म असी लै लैने, इस वारी मनुखा जन्म दे विच आए हाँ, पर जे हुण भी गुरु वाले बन के ना कमाई की थी ते मुक्ति फिर भी नहीं है, फिर भी जन्मां में जाना पैंदा है। सतगुरु शब्द सुनाए फिर जदों घूम फिर के दोबारा फिर आवेगा ना गुरु की शरण में, भी महाराज रखो रखो कृपा धार तेरी शरण तेरा दरबार, जदों फिर बेनती करेंगा फिर सतगुरु प्रसन्न हो जाएंगे भी हुण घूम फिर के आ गया, सब कुछ वेख के आया, हुण शरण में आया। फिर सतगुरु प्रसन्न हो के शब्द सुनाए उपदेश सुनाउंदे ने, भले दा वचन करदे हन। कहे नानक विचार देखो, सतगुरु पातशाह कहन लगे भाई सिखो विचार के चंगी तरह ए वचन वेख लैना करो, सतगुर मुक्त ना पाए। गुरु तो बिना मुक्ति नहीं जे मिलदी, ये वचन पल्ले बन ला भी जिन्ना चिर गुरु वाला नहीं मुक्त नहीं होवेगा। बिन सतगुर सेवे घोर अंधारा, बिन शब्दे कोए न पावै पारा, जिन्ना चिर गुरु का उपदेश नहीं लेंदा पार नहीं होवेगा। लख पीर पैगंबर औलीए लख बर्मा बिसन महेस, बड़े बड़े औलीए होए बर्मा वर्गे होए शिवजी वर्गे होए पैगंबर होए दुनिया ते, किसे सांत ना आईया बिन सतगुर के उपदेश। गुरु धारण किते बिना किसी पैगंबर नूं भी शांति नहीं आई, किसी औलीए नूं भी शांति नहीं आई, बर्मा विष्णु वर्गियां नूं भी शांति नहीं आई, गुरु दे उपदेश तो बिना शांत इन्हां नूं भी नहीं आई जिहड़े एडे एडे वड्डे होए, ते गुरु दे उपदेश तो बिना सिखा तैनूं किवें शांति आवे। बिन गुरदाते कोए न पाए लाख कोटी जे कर्म कमाए, शास्त्र वेद सिमरत सब सोधे सब एका बात पुकारी, बिन गुर मुक्त न को पावे मन वेखो कर बिचारी। धार्मिक ग्रंथ भी ये गल कहिंदे ने भी गुरु बिना मुक्ति नहीं जे मिलदी, जिन्ने भी ग्रंथ ने वड्डे वड्डे धर्म दे ग्रंथ ये गल कहिंदे, पीर पैगंबर संत साधु भी यह गल कहिंदे गुरु बिना मुक्ति नहीं जे मिलदी। हुण मर्जी साड़ी अपनी है भी मुक्ति लैण वास्ते गुरु वाले बनना है जां जन्म लैण वास्ते दुनिया वाले पासे जाना। ये अमृत वेले दा उपदेश महाराज ने बख्शे, भुला चुका दी मुआफी दे सज्जन असी सड़िया साहिब से मिलो। फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए, कहे नानक विचार देखो बिन सतगुर मुक्त ना पाए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।